This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. साइको सीरियल किलर उसे कहा जाता है जो अपनी सनक में बेवजह ही एक के बाद एक कत्ल करता जाता है, लेकिन कभी कभी कोई आम इंसान भी बेवजह ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे देता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो अपराध करने के इतने अजीब कारण बताते हैं जिसे सुनकर अपराधी की अकल पर गुस्सा भी आता है और तरस भी। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक शख्स अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उसका कत्ल करना चाहता था, पर उससे पहले उसने 4 और कत्ल कर डाले, क्योंकि तभी वो अपने दुश्मन को मार सकता था। पूरी प्लानिंग और सोच समझ कर किए गए इस हत्याकांड के पीछे की वजह जिसने भी सुनी वो बुरी तरह से चौंक गया कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। आज की हमारी कहानी है झारखंड के जमशेदपुर से। यहाँ टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में दीपक कुमार नाम का शख्स काम करता था। दीपक कुमार उर्फ गोलू की 2003 में वीना कुमारी से शादी हुई थी। इनकी दो बेटियाँ थी, श्रावणी और सानवी। पूरा परिवार जमशेदपुर के कदम तीसरा रोड पर क्वार्टर नंबर 99 में रहता था। दीपक कुमार थोड़े गुस्सैल स्वभाव का था, जरा सी बात पर किसी से भी उलझ पड़ता था। पत्नी वीना से भी वो ज्यादा खुश नहीं था। छोटी छोटी बातों पर उस पर चिल्लाना या हाथ उठाना उसकी आदत थी और उसके इस गुस्सैल स्वभाव से सभी वाकिफ थे। दीपक का एक बचपन का दोस्त था रोशन। ये दोस्ती शादी होने के बाद भी चली आ रही थी। दीपक ने ही रोशन की शादी करवाई थी। दरअसल रोशन आराध्या नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, तब दीपक ने ही उसकी मदद की थी। दीपक और रोशन दोनों के परिवारों में भी अच्छे संबंध थे। दीपक की नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए रोशन के कहने पर दीपक ट्रांसपोर्टेशन के धंधे में आ गया। दोनों ने एक एक ट्रक खरीदा जिसे किराए पर चलाया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन का ये सारा काम रोशन ही देखता था, क्योंकि दीपक अपनी नौकरी में बिजी था। ट्रक खरीदने के लिए दीपक ने 5 लाख रुपए का लोन भी लिया था। उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही आमदनी बढ़ेगी तो सब कर्ज भी उतर जाएगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि काफी टाइम बीतने के बाद भी उसे कोई खास इनकम नहीं हो पा रही थी। ट्रकों से होने वाली आमदनी का पूरा मैनेजमेंट रोशन ही देखता था। वो ही महीने के आखिर में सारे हिसाब किताब के बाद दीपक को उसके हिस्से के पैसे देता था, जो दीपक के हिसाब से बहुत कम थे। कोई खास इनकम नहीं हो रही थी, उधर कर्जे की वजह से भी घर में आर्थिक तंगी होने लगी थी। अब धीरे धीरे दीपक को लगने लगा कि रोशन उसके साथ चीटिंग कर रहा है। उसे शक था कि ट्रक से होने वाली आमदनी और प्रॉफिट में से रोशन जानबूझकर उसे कम पैसा देता है। इससे पहले भी रोशन ने दीपक की एक प्रॉपर्टी की जबरदस्ती सेल करवाई थी। दोस्ती के चलते दीपक ने रोशन की बात मानकर प्रॉपर्टी बेच दी, पर उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा था। समय के साथ साथ दीपक का रोशन पर शक और गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि जरूर रोशन उसके साथ पैसों की हेरा फेरी कर रहा है, जिससे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। उसके मन में रोशन के लिए खटास बढ़ती जा रही थी। ट्रक की मेंटेनेंस के खर्चे, लोन की मारामारी की वजह से दीपक का पूरा बजट ही बिगड़ा हुआ था, जिसमें उसकी अपनी सैलरी भी खर्च हो जाती थी। और फिर 2020 में कोरोना के चलते ये रहा सहा बिजनेस भी ठप हो गया। अपनी इस हालत के लिए वो रोशन को ही जिम्मेदार मानने लगा था। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसके बचपन का दोस्त उसे धोखा दे रहा है। अब वो रोशन को सबक सिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। इसी गुस्से और तनाव में दीपक बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। वो अक्सर घर पर ही बैठा रहता, शराब पीता और टीवी देखता रहता। उन दिनों OTT पर पाताल लोक सीरीज काफी फेमस हो रही थी, जिसमें हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर भी चर्चा में था। ये कैरेक्टर अपने हिसाब से अपराध करने वाले शख्स को बेरहमी से हथौड़े से कत्ल कर डालता था, और उसके हिसाब से यही इंसाफ का तरीका था। दीपक भी हथौड़ा त्यागी के करैक्टर से काफी प्रभावित था। उसके मन में भी ये विचार आने लगा कि रोशन एक तरह से अपराधी ही है, जिसने उसे धोखा दिया है, उसके भरोसे का फायदा उठाया है, इसलिए उसे भी सजा मिलनी चाहिए। उसने खुद ही रोशन को सजा देने का इरादा बना लिया। वो अब रोशन को जान से मारने का फैसला कर चुका था। बजाय इसके कि वो रोशन से इस बारे में बात करता या उससे दोस्ती खत्म करके खुद बिजनेस को संभालता और अपनी गलतियों से सबक लेता, तो शायद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाती। पर वो तो एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था। कई दिनों तक वो सोचता रहा कि क्या करना है और कैसे करना है। यही सोचते सोचते उसे अब एक अलग ख्याल आया कि जब वो रोशन को मार देगा तो यकीनन एक दिन पकड़ा भी जाएगा, तो फिर उसके परिवार यानी बीवी और बच्चों का क्या होगा? वो कैसे जिंदगी बिताएंगे? कहीं उसके किए की सजा समाज उसके बीवी बच्चों को ना दे। उसके बाद घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे?
अभी एक नई उलझन दीपक के सामने खड़ी हो गई थी। बहुत सोचने के बाद उसने जो फैसला किया, शायद उसी के लिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दीपक ने अब रोशन को मारने से पहले अपने पूरे परिवार यानी पत्नी वीना और दोनों बेटियों को भी खत्म करने का फैसला कर लिया, ताकि उसके पकड़े जाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये एक बहुत ही बचकाना बेवकूफी भरा फैसला था। सुनकर ही अजीब लगता है कि दीपक जो एक फैमिली मैन था, वो कोई पेशेवर कातिल नहीं था। अपने दुश्मन से बदला लेने से पहले वो अपने ही परिवार को खत्म करने का इरादा कर बैठा, जो उसके अपने थे और इस कर्जे और धोखे की कहानी से जिनका कुछ लेना देना नहीं था। 11 अप्रैल 2021 को वो रात भर बैठकर शराब पीता रहा और पाताल लोक सीरीज देखता रहा। 12 अप्रैल की सुबह सुबह तड़के वो एक हथौड़ा लेकर बीवी के कमरे में पहुंचा। सोती हुई वीना के सर पर उसने हथौड़े से वार किया और फिर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसी तरीके से उसने अपनी दोनों बेटियों की भी हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। अब सुबह 8 बजे के करीब उसने रोशन को फोन किया और दोपहर को लंच के लिए इन्वाइट किया। रोशन ने भी आने के लिए हामी भर दी। 9 बजे के करीब वो अपने ससुराल यानी वीना के घर पहुंचा। जब ससुराल में सबने वीना और बच्चों के बारे में पूछा तो दीपक ने कहा कि वो सभी रांची में उसके भाई के घर जा रहे हैं। वहां पर किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके आया है। कुछ दिनों पहले ही चोरी की घटनाओं के चलते वीना ने अपने सारे गहने माता पिता के पास रखवा दिए थे। दीपक ने वहां से वीना के सारे गहने लिए और पास के ही आर के ज्वेलर के पास 4.5 लाख रुपए में बेच आया। पैसे लेकर ये वापस घर पहुंच गया। 11 बजे के करीब बच्चियों की ट्यूशन टीचर 26 साल की रिंकी घोष स्कूटी पर घर पहुंच गई। रिंकी घोष एक यंग मेहनती लड़की थी जो रोज इसी वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी। अब उसे देखकर दीपक बुरी तरह बौखला गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रिंकी ने बेल बजाई तो दीपक ने रिंकी को घर के अंदर ले लिया। रिंकी सीधा बच्चों के कमरे में पहुंच गई, पर वहां पड़ी लाशें देखकर वो बुरी तरह बौखला गई। जब वो वापस जाने के लिए पलटी तो दीपक हाथ में एक चाकू लिए वहां खड़ा था। उसने रिंकी को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और चाकू से उसका गला काट डाला। ये कत्ल उसके प्लान में शामिल नहीं था, पर रिंकी के अचानक आ जाने से दीपक ने उसे चाकू से डराने की कोशिश की, पर उसके चिल्लाने पर उसी चाकू से दीपक ने उसकी हत्या भी कर दी। अब दीपक ने उसके हाथ पांव बांधकर बॉडी को पलंग के बॉक्स में छिपा दिया। कहा जाता है कि दीपक ने हत्या के बाद रिंकी के साथ रेप भी किया था। 3 कत्ल का इरादा करने वाला दीपक अब तक 4 कत्ल कर चुका था। अब वो बैठकर रोशन के घर आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच जब 1 बजे तक रिंकी घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने भी दीपक को फोन किया। तब दीपक ने उनसे झूठ बोला कि रिंकी तो 12:30 बजे के करीब यहां से चली गई थी। इसके बाद 1:30 बजे के करीब रोशन दीपक के घर पहुंचा, पर उसे देखकर दीपक बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि रोशन अकेला नहीं आया था बल्कि अपनी पत्नी आराध्या, बेटी और साले अंकित को भी साथ में लेकर दीपक के घर पहुंचा था। अब दीपक को लगा कि उसका प्लान फेल हो गया, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। इसी मौके के इंतजार में वो अपने पूरे परिवार का खात्मा कर चुका था और साथ ही रिंकी घोष का कत्ल भी कर चुका था, जो गलत समय पर वहां पहुंची थी। उसने तय किया कि रोशन के साथ वो इन तीनों को भी मार डालेगा। घर में आते ही रोशन की पत्नी बेटी को लेकर घर के वॉशरूम में चली गई। तभी मौका देखकर दीपक ने हथौड़े से रोशन पर हमला कर दिया। उसका साला अंकित उसे बचाने आया तो दीपक ने हथौड़े से अंकित पर भी वार किया। वहां चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आराध्या बेटी को लेकर वॉशरूम से भागी हुई आई। उसने देखा कि दीपक उसके भाई अंकित पर हमला कर रहा है और रोशन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। आराध्या बेटी को लेकर घर से बाहर भागी और बाहर आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर दीपक भी घबरा गया। उसे धक्का देकर रोशन और अंकित भी घर से बाहर निकल गए। ये घायल थे पर जान बचाकर वहां से भाग निकले। कुछ दूर निकलने के बाद रोशन ने वीना के भाई आनंद कुमार को फोन पर सारी बात बताई और उन्हें कहा कि वीना और बच्चों के साथ उस घर में जरूर कुछ हुआ है, तुम फौरन वहां पहुंचो। और इसके बाद घायल रोशन और अंकित अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। इतनी देर में दीपक भी घर से पैसों वाला बैग लेकर अपनी बाइक पर वहां से भाग निकला। पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने देखा कि घर में कैसे दीपक ने एक खुरी खेल खेला हुआ था। वहां भयानक नजारा था। पूरे घर में खून के छींटे थे और कमरों में वीना और बच्चों की खून से लथपथ लाशें थीं। वीना के घर वाले ये नजारा देखकर सदमे में थे। रिंकी के माँ बाप भी उसे ढूंढते हुए दीपक के घर पहुंचे थे, जहां पर रिंकी की स्कूटी पहले से पार्क थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रिंकी की लाश भी पलंग के बॉक्स से बरामद हुई। लाश की हालत बता रही थी कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। वही घर से खून से सना हुआ हथौड़ा और चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
अब इस खबर से पूरे जमशेदपुर में हड़कंप मच गया। पुलिस वाले जोर शोर से दीपक की तलाश कर रहे थे। उसका फोन सर्विलांस पर लगाया गया, उसके बैंक में भी अलर्ट जारी किया गया ताकि अगर वो कहीं से पैसों का ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी लोकेशन का पता चल सके। उसके नाम से वांटेड के पोस्टर्स भी लगाए गए। कहते हैं वीना के भाई ने दीपक की खबर देने वाले के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। उधर दीपक जमशेदपुर में ही एक जगह बाइक छोड़कर बस पकड़कर उड़ीसा भाग गया। वहां से वो राउरकेला पूरी होते हुए रांची पहुंचा। यहां वो अलग अलग होटल्स और लॉजेस में रुका। इसके लिए उसने अपने ड्राइवर्स की आईडी का ही इस्तेमाल किया। फरार होने के चौथे दिन यानी 16 अप्रैल को आखिर में ये धनबाद पहुंचा। उसे पता था कि वो अब ज्यादा टाइम तक पुलिस से बच नहीं पाएगा। अब वो HDFC बैंक की एक ब्रांच में पहुंचा। यहां से वो अपने भाई मृत्युंजय कुमार के खाते में 1,50,000 रुपए जमा करवाने पहुंचा था। वो जल्दी से अपना काम करवाकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें बहुत टाइम लग रहा था। इसी वजह से दीपक की बैंक एम्प्लॉय से झड़प भी हुई थी। अब जैसे ही दीपक की आईडी वहां यूज हुई, जमशेदपुर में इसका अलर्ट पहुंचा। तब पुलिस ने बैंक मैनेजर को दीपक को बातों में उलझा कर रखने को कहा। मैनेजर ने दीपक को लंच टाइम का हवाला देते हुए थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। दीपक भी उनके झांसे में आ गया और इंतजार करने लगा। उसे वहां बिठाकर बैंक का मेन गेट बंद कर दिया गया। तब तक धनबाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई और इस तरह 16 अप्रैल 2021 को दीपक को HDFC बैंक की ब्रांच से अरेस्ट किया गया और जमशेदपुर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस उसे वापस जमशेदपुर लेकर पहुंची, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से वो अपने दोस्त रोशन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से दीपक को पैसों का बहुत नुकसान हुआ था। पर उसे चिंता थी कि उसके जेल जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, इसलिए पहले दीपक ने अपनी बीवी और बेटियों की हत्या कर दी ताकि बाद में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। पुलिस उसके इस खुलासे से हैरान रह गई कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे भी जिस मकसद के लिए उसने ये सारा कांड किया वो तो पूरा ही नहीं हो पाया। उसने अपने परिवार के अलावा ट्यूशन टीचर रिंकी घोष की भी बेवजह हत्या कर डाली, जिसका दीपक की इस कहानी से कुछ लेना देना ही नहीं था। रिंकी का कत्ल तो बिना प्लान के हुआ था, तो ऐसे में दीपक ने रिंकी का रेप क्यों किया? उसकी हरकतें एक मैनिएक किलर जैसी थी जो एक कत्ल के चक्कर में 4 कत्ल कर बैठा। पूछताछ में ये भी पता चला कि दीपक भागते भागते थक चुका था। पैसे ट्रांसफर करने के बाद वो सुसाइड करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने दीपक से 3 ATM कार्ड, 1,50,000 रुपया, पैन कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए। दीपक के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में पुलिस को कोई दिक्कत नहीं हुई। ढेरों सबूत थे जो उसके खिलाफ थे। कोर्ट में 2 साल तक ये केस चला। 6 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने दीपक को फांसी की सजा सुनाई और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया। ये कहानी बताती है कि कभी कभी इंसानी सोच उसे कहां पहुंचा देती है। बदले की आग में अंधे दीपक ने अपने ही परिवार का सफाया कर दिया। अब अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दीपक को फांसी की सजा मिलने से वीना और रिंकी के घर वाले बहुत संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन अब देखना होगा कि दीपक को फांसी कब तक हो पाती है, बशर्ते बाद में हाई कोर्ट ये फैसला ना बदल दे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।